लेकिन 2019 से 2022 आ गया, अभी तक आपने डिग्री नहीं ली वहाँ से। हाँ नहीं लिया, इसलिए कि कुछ घर की आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं लिया। फिर उसके बाद में हमने बिजनेस में फोकस करी। अब जी डिग्री जब आप पास आउट हो गए थे, डिग्री लेने में क्या समस्या, क्या दिक्कतें आ रही थी? अब जैसे नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन, और अभी दो दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में गोरखपुर के निमित सिंह का जिक्र किया था, जिन्होंने बीटेक करने के बाद स्वरोजगार चालू किया और उन्होंने मधुमक्खी पालन का कार्य शुरू किया। ऐसे ही हम जौनपुर मौजूद हैं, जौनपुर में एक चाय वाले फेमस हो रहे हैं, जो कि बीटेक करने के बाद खुद का रोजगार करने के लिए चाय की दुकान चला रहे हैं। ये देखिए, ये तड़का चाय जानलेवा कॉफ़ी, ये दुकान मौजूद है वाराणसी आजमगढ़ हाईवे पर, खुज्जी मार्केट पड़ता है, चंदोबक थाना क्षेत्र है, यहाँ पे ये बाजार है। जब आप जौनपुर से आएंगे चंदोबक के लिए तो खुज्जी तिराहे पे सामने आपको ये दुकान देखने को मिल जाएगी। इस दुकान में आपको ये जो कुल्हड़ रखे हुए हैं, ये कुल्हड़ों को आप देखेंगे तो ये आकर्षक कुल्हड़ जो है आपको अपनी तरफ बरबस आकर्षित कर लेंगे, खींच लाएंगे और आप जो है इस दुकान पर पहुँच जाएंगे। और जब यहाँ पहुँचेंगे आप देखेंगे कुल्हड़ की साइज़ देखिए, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, और साथ ही रंग बिरंगे यहाँ पे तरह तरह के कुल्हड़ यहाँ पे हैं। ये देखिए बड़ी साइज़ का भी एक ग्लास है, फुल ग्लास के साइज़ का है। तो यहाँ पे चाय मिलती है, जानलेवा कॉफ़ी मिलती है, और ये देखिए तो ये कप के डिज़ाइन का भी यहाँ पे कुल्हड़ रखा हुआ है। तो ये जो है अपने आप लोगों को आकर्षित कर लेते हैं और खींच लेते हैं, और लोग बरबस इस दुकान पर चले आते हैं। यहाँ की क्या खासियत है, क्यों जो है बीटेक करने के बाद यहाँ पे इन्होंने चाय की दुकान खोल, ये जानने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से ये चाय की दुकान जो है वायरल हो रही है। तो सबसे पहले भैया क्या नाम है आपका? मोहित नाम है हमारा। मोहित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ये बताइए, आपने बीटेक किया, बीटेक करने के बाद चाय की दुकान, सबसे पहले तो चाय की दुकान खोलने का इरादा कैसा है? जी अब जैसे संगति का असर पड़ता है आप जानते हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है कि हमारी भी संगति उन लोगों से थी जो काफ़ी डायनेमिक पर्सनालिटी थे उनकी, और उनका नाम ज्ञान था, और आज भी मैं उनको धन्यवाद काफ़ी दिल से देता हूँ कि जो उन्होंने मुझे दिया और उनकी संगति में जो मैंने सीखा और मैंने उसके बाद जो यूटिलाइज़ करी वो मेरे बहुत काम आने वाली है, मेरे साथ और भी लोगों के काम आने वाली है जो बेरोज़गार है। मेरा उद्देश्य लोगों को रोज़गार देना भी है, और मेरा सर्वप्रथम सबसे महाउद्देश्य अगर सर्वश्रेष्ठ अगर कहा जाए तो मेरा सर्वप्रथम वही उद्देश्य है कि मैं सब काफ़ी लोगों को जुड़ करके उसमें महिलाएं भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं पुरुषों को ही जॉब देने वाला हूं। मैं देखिए किसी भी क्षेत्र का जो विकास होता है वो पुरुषों से तो होता ही है, परंतु जो पूर्ण विकास होता है उसमें जब महिलाएं इंक्लूड होती हैं तो वो पूर्ण विकास होता है। मतलब आप जॉब करने की बजाय जॉब देने वाला बनना? देने वाला, यस, मेरा उद्देश्य यही है। आपका उद्देश्य जॉब देना? तो ये बताइए कब कब करना? नहीं, अभी आपने पूछा ना हमसे कि आपने जॉब क्यों किया, आपने बिजनेस क्यों किया, तो मैंने जॉब करना ही थोड़ी होता है। अभी बहुत सारे जगहों पे मैं देख रहा हूँ बीटेक वगैरह करके लोग वो प्लेसमेंट कर रहे हैं, कहीं पे अच्छी खासी उनको प्लेसमेंट मिल रही है, ठीक है, मैं यहाँ पे उससे ज़्यादा अचीवमेंट कर लूँगा। मैंने प्लान बनाया है, 2 सालों में मैंने अच्छा खासा प्लान बनाया कि मैं सभी लोगों को कम से कम जॉब दे पाऊँ अच्छी खासी सैलरी के अकॉर्डिंग साथ में। तो कब से आपने ये स्टार्ट किया यहाँ पे अपनी दुकान? अभी मुझे यहाँ पे एटलीस्ट 2 साल हुआ है, 2 ईयर्स ओनली। यस सर, 2 साल की अगर बात करें तो क्या आपने कहीं और भी कोई भी दुकान खोली, बस यही अभी एक ही है? 3 शॉप हमारी, 3 आउटलेट है। अच्छा, 3 आपने खोली जी। कितने लोगों को रोजगार दिया आप तक आप लोगों ने? अभी फिलहाल मेरे पास 17 से 18 लोग हैं, अभी और बढ़ने वाले हैं, जो अभी 17 से 18 लोग हैं। अभी मैं जा रहा हूँ आजमगढ़ जिले में खोलने, बस स्टैंड के पास अभी क्लियर हो गया है, अब मैं जल्द ही वहाँ ओपन करने वाला हूँ। कुछ अच्छे अधिकारी लोग भी आएंगे जिन्होंने हमें सम्मानित पूर्वक वो लोग इनोग्रेशन में आएंगे, उनको बुलाया गया हम। अच्छा ये बताइए, सुनने में आया कि बीटेक करने के बाद आप कहीं जॉब वगैरह भी कर रहे थे, तो कहाँ पे कर रहे थे जॉब? हमने एगॉन रिलीगेशन में किया था वाराणसी में, इंश्योरेंस कंपनी थी जी, वहाँ पर हमने करी, और हमें वहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिला क्योंकि जॉब जॉब ही होता है, उसमें फ्रीडम नहीं मिला मुझे, किसी प्रकार का फ्रीडम नहीं मिला, ना टाइम का मिला, ना स्टाइल का मिला, ना जीने के लिए कुछ समझ में आया। कुछ होता है ना कि आप कोई भी काम करो तो क्यों, रीज़न वाई, क्या करना है, क्यों करना है, तो वो सब चीज़ें क्लियर मैंने करी। देखिए हम लोग ऐसे नहीं जी रहे हैं, मतलब करते जाओ ऐसा नहीं है, उसका क्लियर होना चाहिए एवरीथिंग कि ये क्यों कर रहा हूँ मैं, क्यों करना चाहिए। अभी हम आपसे जब वार्तालाप कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे हमारा आप, तो आपने बताया कि 2019 में शायद आपने पास आउट कंप्लीट करी। यस यस। किस यूनिवर्सिटी से? बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, लेकिन 2019 से 2022 आ गया, अभी तक आपने डिग्री नहीं ली वहाँ से? हाँ नहीं लिया, इसलिए कि कुछ घर की आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं लिया। फिर उसके बाद में हमने बिजनेस में फोकस करी। अब जी डिग्री जब आप पास आउट हो गए थे, डिग्री लेने में क्या समस्या, क्या दिक्कतें आ रही थी? अब जैसे 3 ईयर्स की तो डिग्री है ही,
फोर्थ ईयर्स में हम लोग का वो नहीं आया, स्कॉलरशिप्स नहीं आए जिसकी वजह से वो नहीं लिया हमने, लेकिन हाल ही ले लूँगा मैं। अच्छा, जो आपने ये भी बताया कि वाराणसी में जो आप जॉब कर रहे थे वो इंटर के बेस पे कर रहे थे, तो अब बेस में मैंने उनको रिज्यूम दिया था, लेकिन बाकी एबिलिटी मेरे पास जो थी उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस करी, मेरी इंटरव्यू लिया, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। मैंने उनको क्लियरली बता दिया कि सर ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उस पर मैंने वर्क करी, मैंने मुश्किल से 24-25 दिन करी थी, हाँ 24-25 दिन करी, मुझे कुछ वहाँ का ठीक नहीं लगा। मैंने सर से बोला देखिए सर ऐसा है मैं अपना बिजनेस करने जा रहा हूँ, बोले ठीक है। तो ये तो आपके क्वालिफिकेशन की बात हो गई, और चाय की अगर हम बात करें आपकी, तो आप किस किस तरह की चाय यहाँ पे बनाते हैं, कैसे कैसे कस्टमर को क्या क्या जो है उपलब्ध कराते हैं? मेरे पास 10 रुपये से लेकर 120 रुपये तक चाय है। टेस्ट की बात करते हैं तो मटका, हांडी, ईरानी, मसाला, ऐसे ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट, तुलसी, केसर, मैं अर्निंग मॉर्निंग में सभी लोगों को तुलसी चाय पिलाता हूँ, केसर चाय पिलाता हूँ, ऐसे ऐसे मैंने टाइम शेड्यूल बनाया, जिनको जो पसंद है वो मांगते हैं वो मैं पिलाता हूँ, थोड़ा शिद्दत से बनाता हूँ, थोड़ा स्पेशल है थोड़ा तरीके से। अभी आप पूछ सकते हैं जो भी लोग पी रहे हैं तो चाय बताएंगे वो। जैसे ये गांव की मार्केट है, मान लीजिए हाईवे किनारे है, तो क्या चाय से लोग पीते हैं? सर्वप्रथम मैं जब यहाँ आया था, मैं एक महीने की ही बात कर रहा हूँ, जब मैं आया था एक महीने तक यहाँ पे लोग जानते ही नहीं थे कि मतलब चाय भी 10 रुपये की होती है क्या। यहाँ के लोग दूध पीने वाले हैं सर्वप्रथम, वही जानना चाहते हैं क्या ऐसे भी कोई प्रॉब्लम, दूध पीने वाले हैं, और 3-2 रुपये की चाय लोग पीते थे यहाँ पे, और उसमें भी लोग पैसा वगैरह नहीं देते थे। तो मैंने ऐसे जगह पे फेस करी, और फेस करने के बाद में आज ऐसा हो गया है कि लोग मेरे चाय के बिना रह नहीं पाते, और 10 वाली नहीं 20 वाली 30 वाली 40 वाली मांग के पीते हैं कि मुझे वो वाली पिलाइए वो वाली पिलाइए। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ मैंने एक नोटिस करी कि क्वालिटी वाले लोग हर जगह हैं, बस क्वालिटी देना है। मैं क्वालिटी दूंगा तो लोग क्वालिटी लेना चाहेंगे, सबके पास आजकल पैसा है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी मैटर करता है बहुत बड़ा। अच्छा, जैसे ये देखा जाए आपने चाय को ही क्यों अपना बनाया रोजगार, कुछ और भी आप कर सकते थे? क्योंकि ये ट्रेंड में है, ये एक आदत है, इसके बिना ये आदत नहीं छूट सकती। सबसे ज़्यादा बिकने वाला इस दुनिया में पानी है, पानी के बाद चाय ही बिकता है, तो इसलिए मैंने इसको चूज़ करी। जी बिल्कुल, देखिए सही कह रहे हैं, वही सुबह आदमी उठता है तो पहले चाय ही खोजता है, शायद यही कारण है कि इन्होंने भी चाय को ही अपना जो है रोजगार, अपने जो है व्यवसाय का साधन बनाया। तो ये कुल्हड़ आप कहाँ से मंगाते हैं, काफ़ी डिजाइनेबल है, कहाँ से आता है ये? खुर्जा से आता है, दिल्ली से, दिल्ली के नियरेस्ट पड़ता है, यस बुलंद शहर बोल सकते हैं। तो ये भी तो काफ़ी कॉस्टली आता है। कॉस्टली तो पड़ता ही, अब इतना भी नहीं कर सकते अपने भगवान के लिए तो क्या, हमारे अलग सोच का मतलब क्या है फिर? अच्छा, जो आप जानलेवा कॉफ़ी आपने लिखा है तो उसमें क्या रहता है, कुछ ऐसा क्या डालते हैं, किस तरह? थोड़ा सा डिफरेंट है, सभी लोगों से बनाने का हमारा जो तरीका है, जैसे होता है ना गुड बेटर बेस्ट होता है ना, तो वो बेस्ट का पापा है, लाइक दैट। अब तो अभी आपने कहाँ कहाँ पे अपना जो है इसको ओपनिंग किया है, कहाँ कहाँ पे? पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, 2-2 किलोमीटर के रेंज पर है जी। अभी एक डाल रहा हूँ 60 किलोमीटर रेंज पे आजमगढ़ में, हालांकि जल्दी में खुल जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा तड़का आजमगढ़। और कहाँ कहाँ पे खोलने का? मैंने आपसे बताया सर्वप्रथम कि दिल्ली और लखनऊ और इलाहाबाद और वाराणसी और गोरखपुर, ये 5 सिटी को मैंने अपना टारगेट बना रखा है सर्वप्रथम। पहले मैं यहाँ खोलूँगा 4-4 आउटलेट कम से कम, देन आफ्टर फिर और जगह रन करूँगा, फिर इंदौर में डालने का विचार है, ऐसे ऐसे जगह पे सिटी पे जाऊँगा। मतलब निकलना है, स्टेट से बाहर भी जाना है? बिल्कुल बिल्कुल, एक जगह नहीं रुकना है, रुकना नहीं है, जो उद्देश्य है उसको कम्प्लीट करना है। अच्छा, जैसे अगर हम बात करें ये चाय को लेके, चाय की दुकानों को लेके, आप बता रहे हैं कि और स्टेट में भी जाना है, तो इस आप इस दुकान के साथ में सिर्फ चाय ही रखेंगे या कुछ और भी? चाय है, इसके साथ कुछ स्नैक्स रहेंगे, जैसे आप क्या बोलते हैं, जैसे जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ के लोगों की अलग अलग डिमांड होती है कि सर मैं ये खाना चाहता हूँ वो खाना चाहता हूँ, तो वहाँ के अकॉर्डिंग मुझे कुछ दिन सर्वे करना पड़ेगा कि एनालिसिस करना पड़ेगा कि सर यहाँ के लोगों को क्या पसंद है। मैं सर्वप्रथम यहाँ पे जब कस्टमर आते हैं मेरे यहाँ तो मैं एनालिसिस कर लेता हूँ, उनके मन को पढ़ लेता हूँ कि उनको चाहिए क्या, तो पसीना मैं उनके शरीर में देखता हूँ, तो मैं जान जाता हूँ कि सर्वप्रथम गर्मी है तो पहले पानी पिलाया जाए, देन आफ्टर फिर बैठाया जाए, फिर बात किया जाए कि पहले उनको रिलैक्स हो जाए, पहले चाय पूछ लेंगे तो दिमाग वैसे भी चाय गर्म होती है वैसे ही गर्म हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए जो कस्टमर हैं उनके चेहरे के हाव भाव पढ़ने के बाद फिर जो है आगे क्या कुछ सेवा उनकी करनी है वो बात करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो चाय पी रहे हैं, इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? सुनील गुप्ता। सुनील जी आप यहाँ पे चाय पिए हैं? जी पहली बार पिए हैं भैया, हम सुने थे यहाँ पे चाय अच्छी मिलती है इसलिए हम लोग तीनों लोग आए हैं। कैसा लगा चाय का? चाय बहुत अच्छा है, सोच लीजिए बिना चीनी मैं चाय पिया हूँ, इतना टेस्टी है, तो चीनी वाला क्या हाल होगा। क्या बात है, देखिए बिना शक्कर की चाय इन्होंने पी और तारीफ कर रहे हैं। यहाँ पे एक भाई साहब और चाय पी रहे हैं। भैया आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश गुप्ता। ओम प्रकाश जी ये बताइए पहली बार है कि इसके पहले भी? तो पहली बार हम लोग आए हैं तो यहाँ पे चाय पहली बार ही पी रहे हैं। आपने सुना था दुकान के बारे में? जी जी। कैसे सुना था आपने? आते जाते रहते हैं, लोग बताते हैं कि वहाँ पे चाय बहुत बढ़िया मिलती है। तो कैसा लगा चाय का स्वाद? बहुत बढ़िया चाय है। अच्छा, चाय यहाँ की जो है थोड़ा सा महंगी भी होती है अन्य दुकानों की अपेक्षा? जी।
महंगी क्या है, उस क्वालिटी के हिसाब से है, महंगी कुछ है नहीं। क्वालिटी है चाय में, क्वालिटी जब बिल्कुल देखिए, महंगा कुछ नहीं है, क्वालिटी है तो सब चलता है। और यहाँ पे देखिए एक भाई साहब हैं, ये भी बैठे हुए हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? अरविंद यादव नाम सर। अरविंद जी आप यहाँ पे चाय पी रहे हैं? सर चाय तो पिए हैं और चाय काफ़ी लाजवाब मिला। ये बताइए पहली बार पिए किसके पहले भी? नहीं सर, इसके पहले हमने दो बार आ चुका है, ये तीसरी बार हमारे यहाँ। तीसरी बार, क्या यहाँ की चाय में खासियत है आपको खींच लाती है बार बार? वैसे तो कहा जाए सर चाय तो चाय ही है, लेकिन इस जैसा चाय कहीं नहीं मिला सर। जी हाँ बिल्कुल, तो देखिए जो यहाँ पे चाय पीने वाले लोग हैं, जो कस्टमर हैं, जो यहाँ से गुजरते हैं, वो यहाँ आते हैं, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि चाय यहाँ की लाजवाब है। और मोहित जो हैं ये चाय का अपना व्यवसाय शुरू कर चुके हैं और इनका काम है, ये इनकी सोच है कि नौकरी करने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनना है, और इसी सोच को लेके इन्होंने बीटेक करने के बाद अपना ये व्यवसाय शुरू किया है।